क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का 1 का, कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 0, बी इज इक्वल टू 5 -4 -2 1, देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फाइंड ये करना है कि 2a + 3b, तो इक्वल हम लोग करेंगे। देखें सबसे पहले क्या है, 2 है तो हम 2 राइट करेंगे। इसके बाद a है तो a मैट्रिक्स राइट करेंगे। हमारे पास क्या है, 1 2 3 0, सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का। फिर है 3b, 3 राइट होगा और फिर b करेंगे। b हमारे पास क्या है, 5 -4 -2 -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स से, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 3 6, 2 0 0। प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3 4 12, -3 2 6, -3 1 3, मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो 4 + 15, सेकेंड एंट्री क्या है, 6 + -12, और 2 + -6, और 0 + -3। फोर और 15 प्लस हो रहे हैं, 4 और 5 9, 19 हो गया। 12 में से 6 माइनस हो गया, -6 आएगा, -6 में से 2 माइनस हो गया, -4, और 3 में 0 प्लस हुआ, -3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2a + 3b का। अब हम लोग इसका पार्ट 2 करते हैं। टू पार्ट है हमारे पास, -3a + 2b, जो कि इक्वल आएगा। अब देखिए पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, -3, तो -3 राइट करेंगे। फिर a है, a मैट्रिक्स लिखते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था ऊपर, 1 2 3 0, सेंटर में साइन प्लस है, प्लस उसके बाद है 2b, 2 राइट करेंगे। b मैट्रिक्स राइट करेंगे, 5 -4 -2 -1, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 सबके साथ हो रहा है, -3 2 6, -3 × 3 9, -3 1 3, -3 0 0, प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, -2 4 8, -2 × 2 4, -2 1 2, इक्वल। अब दोनों सम होंगे, दोनों को प्लस करेंगे, -6 + 10, -9 + -8, -3 + -4, और 0 + -2। जी 10 में से 6 माइनस हो गया 4, -8 और -9, -, दोनों माइनस का साइन आएगा और दोनों ऐड करेंगे, तो ये हो गया 17। -, माइनस का साइन आएगा, 4 5 6 7, और -2 में 0 ऐड होगा, -2। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, -3 (a + 2b) इक्वल कैसे सॉल्व होगा। देखें पहले है -3 आ जाएगा, फिर हमारे पास है ब्रैकेट डालेंगे, फिर है हमारे पास a मैट्रिक्स हम लोग राइट करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 2 3 0, फिर है नेक्स्ट प्लस और 2b 2, उसके बाद b मैट्रिक्स राइट करेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -4 -2 -1, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वैसे आ जाएगी, फर्स्ट मैट्रिक वैसे आ जाएगा, 1 2 3 0 a, 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 5 10, 2 4 8, 2 × 2 4 -2 1 2, -3। अब ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 + 10 3 + -8, और 1 + -4, और 0 + -2। तो नेक्स्ट हमारे पास -3 वैसे आ जाएगा,
आंसर क्या आएगा, 10 + 2 = 12, -8 और 3, 8 में से 3 माइनस हो गया -5, 6, 7, 8 हाँ, 4 में से 1 माइनस हो गया -3 और 2 माइनस में 0 ऐड हो गया -2। अब नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सबको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6 3 1 3 और माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 5 हो प्लस हो जाएगा और 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, राइट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2/3 (2a − 3b). इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2/3 को वैसे हम लोगों ने उतार लेना है, 2/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट राइट कर लेंगे। फिर है 2a, 2 और a मैट्रिक राइट करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 0, -3b, 3 और b की जगह b मैट्रिक्स राइट करेंगे, 5 − 4 − 2 − 1, ब्रैकेट क्लोज। तो 2/3 वैसे आ जाएगा और पहले ब्रैकेट आएगी, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है b मैट्रिक्स से, 3 × 5 = 15, -3 × 4 = 12, -3 × 2 = 6, -3 × 1 = 3 इक्वल 2/3। इन दोनों को माइनस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री माइनस होगी, 4 − 15 = −12, 2 − −6 = −3 इक्वल 2/3 वैसे आ गया। 15 में से 4 माइनस होगा, देखें 5 में से 4 माइनस हुआ 1 और 1 वैसे आ गया साइन माइनस का, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 6, 7, 8 ये 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 = 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 3। अब इन सबको 2/3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 11 से, 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से और 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से और 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो 11 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा -22/3 और 18 3 6 18, तो 6 कटिंग हो गई, 3 6 18, 6 2 12 आ जाएगा और 8 और 3 डिवाइड नहीं हो रहे, लिहाजा 8 2 16/3 और 3 3 से यहाँ कट गया, आंसर क्या आ गया 2। तो ये हमारा पास फोर पार्ट का आंसर है।